हेलो गाइस, वेलकम है आपका। आज हमने एक और कैंडिडेट से बात की जो कि जम्मू डिवीज़न से है। उनका जो है 24 तारीख को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी हो गई है 24th को। तो उनका जो है किसी सर्टिफिकेट में नाम थोड़ा बहुत मिसमैच था, तो उनका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, उनका एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं, इस वीडियो में हम वो देख लेते हैं। हम जो है बाद में इस हमारी जो है फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन भी सुनेंगे, तो उसमें आप यही सुनेंगे कि उनका जो है यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज जिन बच्चों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आज के डेट में, अगर उनमें से कोई यहाँ पर बच्चा कश्मीर डिवीज़न से हो, जम्मू डिवीज़न से हो, अगर वो अपना DV एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वो जो है अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अपना कांटेक्ट यहाँ पर शेयर करेंगे तो मैं उनसे जो है फ़ोन पे बात करूँगा, या फिर जो है आप अपना जो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या कांटेक्ट जो भी होगा शेयर कर लेना, तो मैं आपको कॉल करके जो है आपका एक्सपीरियंस हम जो है बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी जो है यहाँ पर हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो ये वाला जो है ज़रूर एंड तक देखना, कोई कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इससे कोई हेल्प मिल जाएगी। अगर आपका भी किसी सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच है या कुछ और है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आ रही आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बस बस ठीक। अच्छा, आप YouTube चैनल से? हाँ जी हाँ जी, आपने नंबर शेयर किया था ना अभी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मेरा नाम है संकेत और मैं जम्मू से हूँ, मेन जम्मू से। अच्छा अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा संकेत है? हाँ जी। अच्छा, आप प्रॉपर जम्मू से हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका डीवी कब था? मेरा डीवी था 24 को। अच्छा 24 को। हाँ जी। शिफ्ट कौन सी थी, मॉर्निंग वाली या 1 बजे? शिफ्ट मॉर्निंग 10 बजे वाली। अच्छा 10 बजे, तो कितने बजे पहुंचे थे आप? मैं 9:30 बजे के करीब पहुंच गया था वहाँ पे। अच्छा। तो थोड़ा वेट करने के बाद फिर अंदर गया, अंदर और भी बच्चे वेट कर रहे थे। अच्छा। इवन जिनकी अगली शिफ्ट थी वो भी पहले से वेट कर रहे थे ऊपर। अच्छा, वो इशू नहीं है तो उनको भी बुलाते हैं, जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा उनको बुलाते हैं फिर डीवी के लिए। हाँ वैसे कोई इशू लगा नहीं मुझे, कोई कभी अच्छा। भी आ रहा था और फॉर्म भर रहा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, आपको ये लगा ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं या कुछ ऐसा? मैं जानता हूँ ऐसे एक इंसान को जो ग्रेजुएट था, बट उसकी ग्रेजुएशन बाद में हुई थी, तो ये इसने वहाँ पे वो क्लियर तो भी ठीक है, किया। 28-60 के हाँ बाद जो हुई है वो तो एलिजिबल है, मतलब हाँ एज पर नोटिफिकेशन। हाँ हाँ बट मतलब ऐसा कुछ लगा, मतलब जो पुराने पहले वाले ग्रेजुएट हैं उससे पहले वाले? ऐसे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, वैसे सभी बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन बच्चे कमेंट करते हैं कि आप ग्रेजुएट का भी पूछो। हाँ, ऐसे पता नहीं चल सकता ना देख के। हाँ ऐसे और कोई ग्रेजुएट बोलेगा भी नहीं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एग्जैक्टली डिग्री लिया। और कोई अगर एज होगा तो हम उससे भी गेस नहीं कर सकते कि वो ग्रेजुएट हो नहीं, सकता है, इसमें उसने क्या, ये स्किप तो कर कोई दिया बोल हो। ही नहीं सकता, एज हो तो फिर हाँ वो 12th पास भी हो सकता है, उसके बाद हाँ मतलब बिल्कुल, कुछ पर्सन ड्रॉप प्रॉब्लम कर की दिया वजह उसने से कॉलेज साल में, ड्रॉप कुछ भी हो करते सकता हो, है। हो सकता है सभी। चलो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे आपके पास? डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे ही थे। और मैंने एक्चुअली क्या किया था, 10th और 12th का जो डिप्लोमा था वो मैंने नहीं, वो एक्चुअली मैंने ओरिजिनल लिया था साथ में, बट मैंने फोटोकॉपी नहीं ली थी क्योंकि मेरे को सुनने में आ रहा था कि खाली मार्कशीट मांग रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, बट जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने वो भी मांगा, तो लकीली मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखा मुझे एक फोटोकॉपी मिल गई जो मैंने पहले से बना के रखी होगी 12th की, बट 10th की अच्छा, नहीं थी मेरे ये जो पास। 10th आपने पास किया, ये जेके बोर्ड से किया या फिर हाँ जी, प्रीवियस जेके बोर्ड से से? किया मैंने। तो आपको मिला था वो डिप्लोमा 10th का? हाँ हाँ स्कूल से कलेक्ट किया था मैं टाइम पे बिल्कुल। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिलता है स्कूल से, नहीं ये डिप्लोमा नहीं देते हैं वहाँ पे। हाँ मैं भी, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बोर्ड से लिया है बाद में। अच्छा बोर्ड से, तो हाँ आपकी बट ये थोड़ा 10th ऐसे का? करते हैं वो, थोड़ा ऐसे ड्रामा करते हैं बोर्ड वाले, तो अच्छा दो अच्छा तीन चक्कर लगाओ तो मिल जाता है। बट अच्छा तो 10th का पास किया था आपने? अच्छा, मैंने 2014 में किया था 10th। 2014 में, तो मतलब हाँ मिलता जी है, सबको मिलता है? हाँ, मुझे तो रेगुलर मिल गया था, मेरे को जैसे स्कूल से ही मिल गया था थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, तो नहीं बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं मिलता है ये सब, हाँ कुछ को नहीं मिलता है, कुछ स्कूल नहीं देते हैं ऐसे, कुछ हो जाता है कभी। लेकिन मतलब आते हैं सब, मतलब सबके आते हैं वो हाँ डिप्लोमा? आते तो डेफिनेटली सबके, सबके बनते अच्छा सबके अच्छा पीछे से बोर्ड से। अच्छा और फिर वो मतलब मांगते हैं वहां पे, बोलते हैं कि मतलब डिप्लोमा के लिए आपके पास है? मैंने उन बच्चों से बात की जिनका मेरे से पहले था, एक दो दिन पहले यहाँ कुछ था, उन्होंने कहा था कि कोई डिप्लोमा नहीं मांग रहा, मार्कशीट भी चल रही है। उसी चीज को सुनकर मैं लेके नहीं गया साथ में फोटोकॉपीज,
तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डिप्लो जब जो आगे बैठे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं वहां पे पहले एक रूम होता है, वहां पे आपको बुलाया जाता है पांच पांच बच्चों को, पांच पांच करके, या अगर ज्यादा बच्चे हो तो फिर ज्यादा कर लेते हैं। मेरे टाइम पे क्या था कि 7 बच्चे नहीं आए थे मेरे बैच, 25 वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ शिफ्ट की, जिसमें 25 बच्चे थे तो आप उसमें सात उसमें बच्चे कितने नहीं थे, साथ नहीं थे? ठीक सात नहीं थे। ठीक तो मुझे और 5 बच्चों को साथ में बुलाया अंदर उन्होंने, और वहां पे उन्होंने खुद सब कुछ खुद से मतलब अटैच किया, खुद स्टेपल किया, खुद सब कुछ फोटोज तक खुद लगाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो सब खुद खाली करके आपको दे रहे फॉर्म हैं। फिल करना, वो हाँ मतलब हाँ बस वो कैंडिडेट आपको डिटेल अच्छे से फिल सिग्नेचर कर, करना है, बाकी यस नो वो खुद करते हैं डॉक्यूमेंट को उनको। हाँ। मेरा खुद फॉर्म गलत हो गया था, जब मैं फॉर्म भर रहा था तो वो गलत हो गया था, तो मैं वहां से 3 उठा के लाया, किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने खुद दे दिए 3, ये लो एक अच्छा गलत हो नहीं, गया दूसरा बोल लो, तो कोई मतलब सपोर्ट पूरी है कल वहां पे। मुझे एक बच्चे ने उसकी पिक भेजी थी, वो जो फॉर्म फिल करवाते हैं ना अच्छा वहां पे अच्छा डॉक्यूमेंट का हाँ जी सिस्टम, तो उसमें मैंने वीडियो बना चुका हूँ, कल वो मैंने अपलोड कर दी थी, तो अब अच्छा मैंने उसमें बोला था, अब बच्चे पता नहीं देखते हैं कि नहीं तो ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ था कि जब मैंने फॉर्म मैं अंदर गया तो उन लोगों, पहले 2 लोग थे वहां पे, पहले एक ने देखा मेरा प्रॉपरली, फिर उसने आगे एक मैम बैठी थी उनको पास किया, फिर मैम ने प्रॉपरली बिल्कुल लाइन लगा लगा के जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उस पर लाइन लगा लगा के, मतलब जैसे मार्क नेम, मार्क करते हैं, मतलब नेम वगैरह वो सब। हाँ जो मेन चीजें है ना बस वो मार्क कर रहे हैं वो लोग, कुछ अच्छा, चीजें अगर ऐसी है कोई कि अच्छा कोई नेम मिसमैच हो एप्लीकेशन फॉर्म पे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट पे तो वो चलता है? देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम वहां पे फॉर्म भर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से तो यही है कि वही चीज आगे जाएगी, वही इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं बोला, किसी से ये भी नहीं पूछा कि क्या आपकी कोई गलती हुई है या कुछ नहीं, उन्होंने बोला यहाँ पे अपना बायोडाटा डाल दो बस, दैट इज इट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में जब हमने फॉर्म फिल किया था, सबमिट किया था, हाँ तो हाँ कुछ हाँ वहां पर मिस्टेक्स हुई थी, क्योंकि 2G चल रहा था, बाहर से फॉर्म हाँ सबमिट कराया था। हाँ ये तो नोटिफिकेशन भी आया होगा ना कि वो कर रहे हाँ हैं करेक्ट। मतलब कर रहे हैं वहां पे, हाँ आपने ऐसा तो कुछ कभी केस देखा वहां पे जिनकी गलती थी? मुझे एक बच्चे ने ऐसा कहा था कि उसका गलत है कुछ फॉर्म में, अच्छा फिर उसने उस भरा, वो अंदर गया, उसने सब कुछ करवा के वो चला गया, तो वो जब जा रहा था मैंने पूछा हो गया, कहता हाँ हो गया। मतलब बीवी में ही हो जाता है या फिर उससे पहले जाना होगा? नहीं ऐसे किसी ने कुछ कहा नहीं वहां पे, उसने तो डायरेक्टली बोला कि हो गया मेरा काम, अच्छा तो मतलब हो क्या गया। इससे मैं यही अजूम कर सकता हूँ कि उसने जिस पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो नहीं मिली वहां पे उसमें जो भरा उसी से हो गया होगा। अच्छा तो आपका ठीक था एप्लीकेशन फॉर्म? हाँ मेरा ठीक था एप्लीकेशन अच्छा फॉर्म अच्छा बिल्कुल और ठीक था। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा था आपके पास? ये तो हो गया 10th 12th का डिप्लोमा मेरा मार्कशीट एक और प्रॉब्लम आ रहा था कि जो मेरा 12th का जो वो था डिप्लोमा था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती थी मेरे फादर्स नेम में उन्होंने। अच्छा। हाँ तो वो मैं मेरे को काफी टेंशन थी उस चीज की, तो मैंने बोर्ड के 2-3 चक्कर भी लगाया, मैंने अंडर प्रोसेस लेने की कोशिश की कि मैं वहां पे दिखा दूंगा कि काम चल रहा है, बट वो अंडर प्रोसेस दे ही नहीं रहे, अपने यहाँ रूल है, जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की नहीं। हाँ तो नहीं दे रहे वो अंडर प्रोसेस भी, तो फिर थोड़ी टेंशन हुई थी, मैंने एफिडेविट बनवा लिया, फिर मैंने आपसे आपने कमेंट किया था कि एफिडेविट बनवा लो, मैंने किया था आपकी वीडियो के अच्छा नीचे कमेंट, तो आपने तो बताया फिर था कि बनवा लो, तो मैंने बनवा लिया, तो बट वहां पे ना उन्होंने फादर्स नेम पे ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, तो वो एफिडेविट काम आया फिर क्या? फिर आपने नहीं दिखाया नहीं नहीं? एफिडेविट काम नहीं आया क्योंकि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया फादर्स नेम में, अच्छा उन्होंने उन्होंने कुछ बोला नहीं? वो सारी चीजें थॉरली चेक कर रहे थे ठीक है, बट फादर्स नेम पे उन्होंने ध्यान ज्यादा नहीं दिया, इसका मतलब यही हो सकता है कि वो इस चीज पे नहीं इतना ध्यान दे रहे, उनका मेन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि नाम जो बच्चा है उसका सबसे पहले नाम देखते हैं, उसको अंडरलाइन अच्छा करते हैं, अच्छा मैच करते हैं वो कि ये बिल्कुल सही लिखा है, फिर उसके बाद वो नीचे आते हैं डीओबी देखते हैं, डीओबी ठीक है, और ये सब चीजें देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन, बाकी 12th और 10th के नंबर कितने हैं, जिनकी मतलब 10th हुई है तो उनके खाली 10th के, तो अच्छा यही इन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया वहां पे, क्योंकि मेरे फॉर्म को 2 लोगों ने चेक किया है बारी बारी, दो अच्छा अच्छा ऑफिशियल्स ठीक ने, उसके है। बाद केएस ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने भी थोरली पढ़ा, उन्होंने भी 10 मिनट लगाए देखने में अच्छे से, थोरली पढ़ा, अच्छा तो उन्होंने बोला ही नहीं उस बारे में कुछ, तो ये मेरे ख्याल से लक नहीं है, ये वही है कि वो नहीं देख रहे वो चीज। अच्छा मतलब इतना माइनर तो चलता ही अगर एक एक हाँ गलत हाँ है हाँ एकल पे भी। हाँ अच्छा मुझे ये मुझे यही बताओ लग रहा आपकी है। कोई कैटेगरी थी, रिजर्व कैटेगरी या नहीं मेरा ओपन मेरिट था, एक पर मेरे साथ ओपन? लड़का था जिसको मैं जानता हूँ, उसका था थोड़ा इशू आ रहा था कि उसका बाद में इशू हुआ था फॉर्म अच्छा भरने के, मतलब 28-28 के बाद। हाँ बट उसने फॉर्म में लिख दिया था कैटेगरी का अच्छा मतलब उसने फॉर्म में जो अगर किसी बच्चे ने लिखा है मेरी कैटेगरी ये है तो उसका फिर हो जाता है वहां पे? हाँ उसका हो गया था। हाँ एग्जैक्टली नहीं उन्होंने कुछ मतलब बोला भी नहीं। वहां पर कुछ कैटेगरी ऐसी होती है ना जिसमें कुछ डेटा भी इशू भी डालना होता था एप्लीकेशन फॉर्म में या? उसने अच्छा ब्लैंक छोड़ा था वो। बोले वो कोई इशू नहीं है? अच्छा किसी ने कुछ बोला नहीं उसको। मतलब हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अच्छा हाँ एक्सेप्ट हो गया। आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला था? हाँ था मेरा वो। अच्छा वो उसका सिग्नेचर कहाँ से करवाया था, एसडीएम से या फिर हमारा एसीआर? जम्मू का तो नहीं होता एसडीएम, तो मैंने एसीआर से करवाया था,
उस वही पे कुछ उसमें बोला मतलब उन्होंने? तहसीलदार की स्टैंप और एसीआर की दोनों की थी मेरे वाले में, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा नहीं, वो तो नोटिफिकेशन भी आया था वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा तो फिर मतलब आपको मतलब शॉर्टलिस्ट जब आया था नाम, उसमें मिले थे 5 मार्क्स अनएम्प्लॉयमेंट के? हाँ मुझे मिले थे, मैंने उसमें भी भर रखा था। बाकी प्रॉब्लम मुझे बस यही आई थी कि मैं डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेके गया था, ये वाला 10th वाला, और लकीली मतलब अच्छा हो गया कि मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ था साथ में। तो जब अच्छा मैं अच्छा के एस सर के जो ऑफिस में गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 10th का डिप्लोमा आपको चाहिए, लगाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा मैंने कहा अच्छा कि मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, मैं फोटोस्टेट करवा देता हूँ आपको। कहते आप, उन्होंने इवन अपनी फैकल्टी से करवा दिया, वो अच्छा अच्छा मुझे अच्छा नीचे नहीं जाना पड़ा। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को वो बोलते नहीं है डिप्लोमा के लिए, कुछ बच्चों को बोलते हैं, ऐसा क्या इशू है मुझे फिर? लग रहा है कि जो जो म्यूनिसिपालिटी का ये दे रहे हैं ना डीओबी सर्टिफिकेट, उनको शायद नहीं बोल रहे, क्योंकि मेन मेरे ख्याल से ये डीओबी के लिए ही चाहिए। हाँ अच्छा, अगर किसी के पास म्यूनसिपैलिटी का डीओबी है वो चल जाता है डीओबी के बदले? वो चलता है, वो हर जगह चलता है ऑफिशियल यहाँ का। वैसे मुझे पर्सनली मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया था, तो उसके बदले मैंने ये 10th का उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। अच्छा, मतलब जो म्यूनसिपैलिटी एरिया में आती है उनका तो म्यूनसिपैलिटी का चलता है, अब जो गांव में रहते हैं उनका तो पुलिस स्टेशन से वो बनवाना पड़ता है ना डीओबी, तो अगर वो भी ले जाएंगे साथ में तो वो फिर कोई इशू नहीं है? इस मुझे नहीं पता इस चीज का, क्योंकि ये अच्छा ऐसा कोई अच्छा केस भी मेरी नजर में नहीं था वहां पे। अच्छा बट अगर अच्छा 10th का है तो वो रखना चाहिए साथ में। मैं भी यही सोच के नहीं लेके गया था कि नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर बच्चों के पास है तो साथ में रखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सुन लिया हुआ है कि खाली मार्कशीट चलेगी, तो वो रख ही नहीं रहे हैं साथ में। हाँ नहीं, वैसे उन्होंने डिप्लोमा ओब्लिक मार्कशीट रखी है उसमें, तो हाँ वैसे काम तो होना चाहिए मार्कशीट से भी। वही वही तो मैं देख रहा था ना कि इन्होंने उब्लीक, मैंने बोला भी वहां पे, मैंने कहा आपने उब्लीक कहा था, ये जरूरी है क्या? कहते हैं हाँ ये जरूरी है 10th का, तो फिर मैं ले आया। अच्छा, अब जिन बच्चों ने जिनके पास है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो तो बेचारे फिर परेशान हो जाएंगे। उनको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो सपोर्ट करता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करता है। अच्छा, वैसे 10th के उसमें भी तो डेट ऑफ बर्थ होती है? 10th की मार्कशीट की होती तो है उसमें, बट उन्होंने, मैंने मार्कशीट 10th की भी लगाई है, 12th की भी लगाई है, डिप्लोमा भी 12th का वैसे लगाया, जो टेंथ का जेके नहीं लगाया था। जेके के एक बच्चे ने वो कमेंट किया था कि जो जेके बोस की डीओबी होती है ना, मतलब जिसको डिप्लोमा बोलते हैं 10th वाली, अच्छा अच्छा उस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो वर्ड्स में भी लिखी होती है, और जो मार्कशीट होती है उसमें वर्ड्स पे लेकिन वो नहीं लिखी होती है, तो इसलिए शायद वो मांग रहे हैं। मैं पर्सनल एनेक्डोट दे रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ वहां पे। अच्छा, उन्होंने मुझसे मांगा तो मेरे को देना पड़ा लाके, मार्कशीट भी मैंने दी थी। चलो ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी डीओ में टाइम है तो वो स्कूल से ले मतलब जाएं वहां पर, वो ले सकते हैं ना वो अपना डीओ भी या डिप्लोमा जो भी बोलते हैं। हाँ, अगर उनके पास टाइम है डेफिनेटली उनको जाना हाँ, चाहिए, तो और स्कूल वालों को भी मुझे लग रहा है हेल्प कोई करनी यहाँ चाहिए इस पता नहीं चीज है, में। प्रॉब्लम भी हो सकती है फिर डीओ में। हाँ शायद हो सकता है कि अगर मैं बोलता कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं पड़ा तो वो बोलते रहने, तो हो सकता है, बट ये या रिस्क वाली ऐसा बात कोई है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा ना जिनसे हम बात करें जिनके पास खाली मार्कशीट हो, उनका एक्सेप्ट हुआ कि नहीं? अब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा जिनसे हम बात करेंगे तो बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाती है एग्जैक्टली, चलो मैं ना। देखता हूँ अगर मेरा कोई ऐसा होगा तो तो अगर आपका मेरे कोई नोन में होगा स्कूल। तो आप प्लीज शेयर करना कांटेक्ट उसका, ठीक है? अच्छा, एग्जैक्टली, और कोई इशू आपको लगा कि मतलब बच्चों के साथ शेयर करना चाहे जहां पर प्रॉब्लम आती हो? मेरे को सबसे ज्यादा एनजाइटी इस चीज की थी कि वो फादर्स नेम वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा कि अच्छा मेरा थोड़ा सा था मिसमैच था, मतलब एक अल्फाबेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, अच्छा तो अच्छा वो उन्होंने देखा नहीं। तो ये चीज मुझे लगा इम्पोर्टेंट है सबको बताओ, क्योंकि सब टेंशन ले रहे होंगे इस चीज की। मैं तो बहुत ले रहा था, मैंने तो अच्छा अच्छा हाँ, इवन वो तो सर्टिफिकेट पे हाँ जो मतलब होता है कुछ मिसमैच होता है फिर नाम, तो वो तो टेंशन होती है। ठीक एग्जैक्टली, तो वो चीज थोड़ी है कि वो नहीं देख रहे हैं इतना, मदर्स ठीक ने फादर्स ने मेरे ख्याल से तो नहीं देख रहे हैं वो इतना। ठीक है ठीक और हाँ हाँ जी जी और बताए। जो आगे चढ़ेगा, जो आपके डाटा में जाएगा, वो जो आप वहां पे भर के दोगे फॉर्म पे, वहीं से जाएगा सारा। अच्छा, एफिडेविट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? किसमें एफिडेविट जो आपने बनवाया था क्वालिफिकेशन एफिडेविट वाला? मैंने बनाया था मोबाइल मजिस्ट्रेट का, तो मुझे लग रहा था हो सकता है, क्योंकि मेरे बैच में सब बच्चों ने वही बनवाया था, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब स्टैम्प अच्छा पे लिखा अच्छा हुआ था ये, नहीं, वो तो एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो हो मतलब गया कुछ था। जो आपने प्रिंट करवाया था, टाइप करवाया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली तो मैंने नहीं थी? दूसरी बारी करवाया था, मैंने फर्स्ट टाइम जब करवाया था ना, तो उसमें एक लाइन मैंने मिस कर दी थी, अच्छा, तो फिर वो दूसरी बारी मैंने सोचा कि रिस्क क्यों लेना है, क्या पता हो ना हो, तो मैंने दूसरा भी बनवा लिया, वो मैंने दोनों साथ रख लिए थे। अच्छा, तो जो आपने फिर बाद में बनवाया वही आपने वहां पर दिया? हाँ, जिसमें, और ये वो चेक कर रहे हैं, ये मेरे सामने उन्होंने पेन से मार्क किया है ये 2 लाइनें। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो मतलब उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना एफिडेविट भेजा था, एक कैंडिडेट ऐसा था कि उसमें जो है कट ऑफ डेट जो है ना 28/8/2020 वो मेंशन नहीं करी थी उस पे,
तो उसका मेंशन क्या नहीं करी वो, थी, हाँ वो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे सामने सबसे पहले उन्होंने वो उसी चीज को सर्कल किया था अच्छा पेन वो के कट साथ। अपडेट जो है, हाँ तो अच्छा बनवा लो इतना क्या, एक दिन में बन जाएगा। अच्छा अच्छा चलो मैं उसको शायद मैंने बोला था, फिर भी देखता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ उसको कि आप वो बनवाना। बनवा लें तो बढ़िया है, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है वैसे भी। अच्छा तो और कुछ कुछ आप शेयर करना चाहते हो? अच्छा यही है कि हम फालतू की एंजाइटी ले रहे हैं सारे बच्चे, जिनको मैं जानता हूँ वो बिन मतलब ऐसे ही स्ट्रेस आउट हो रहे हैं इस टाइम पे। वहां अच्छा पे इतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल फॉर्मल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कैजुअल है, सब सब ठीक। सपोर्टिव है। नहीं कोई और क्वेश्चन उन्होंने आपसे किया कुछ जैसे ग्रेजुएशन के रिलेटेड, आपने हाँ, क्या ये पूछ रहे बोला? मुझसे मुझसे पूछ रहे थे कि आप ग्रेजुएट हो, मैंने कहा मेरी ग्रेजुएशन अभी खत्म नहीं हुई, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो फिर तो उसका वो क्या कह रहे रिप्लाई थे है? कि हाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है, कहते ऐसे थोड़े मजाक में बोल रहे थे वो अच्छा केस जो अच्छा ऑफिसर थे कि देखो अगर कुछ हुआ तो फिर बाद में प्रॉब्लम पड़ेगा। मैंने कहा है ही नहीं है, अच्छा अच्छा मतलब आपसे मैं पूछा है था? ये चीज हंसते हुए बोली थी उन्होंने। नहीं वो उनको भी पता लगता है ना बात से, मतलब कौन सा बच्चा क्या है, मतलब वो तो दिखता ही है चेहरे पे, मतलब है ना। तो एग्जैक्टली फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं जो बाकी उनको कोई वे लगता नहीं है। होता ना ऐसे प्रूव करने का किसी को देख के कि आप ग्रेजुएट हो नहीं कि नहीं हो। नहीं देख के थोड़ी गेस कर हाँ सकते हैं कि हम चेहरे से पता लग जाए कि उसके माथे पे लिखा है ग्रेजुएट है, वो तो तो पता नहीं हो सकता। तो वही तो बाकी वो अटेंडेंस अटेंडेंस कितनी लगती है दिन में, मतलब जैसे? अच्छा मेरा क्या हुआ था कि मैं पहले गलत बैच में बैठ गया था, जिनका 1300 समथिंग कुछ शुरू था उनका सीरियल, तो मेरा था 300 कुछ, अच्छा अच्छा 317 था मेरा नंबर। तो मैं गलत बैच में बैठ गया था पहले, वहां पे भी कुछ बच्चे एबसेंट थे उस टाइम पे, दस अच्छा बजे अच्छा 10:15 के करीब मेरा 10 बजे अच्छा का बैच था, तब भी कुछ बच्चे एबसेंट थे वहां पे। अब मैं बोल नहीं सकता कि वो बाद में आए कि नहीं आए। हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है बाद में भी मतलब आए हो, है ना। हाँ बट तब भी कुछ बच्चे थे एबसेंट, और उसके बाद जब मैं अपने बैच में बैठा हूँ तो गलती से बैठ गया था मैं वहां पे, तो फिर मैं वापस चला गया। जब तो वहां पे देखा मैंने जो लिस्ट लगा रखी थी, क्योंकि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे उसके बाद क्या कर रहे थे वो, उनके जो नंबर थे वो केएस ऑफिसर जो था उनके कैबिन के बाहर, उनका जो रूम था अलग से उसके बाहर लिस्ट लगा रहे थे कि ये बच्चे अब अंदर जाएंगे, जैसे बच्चा करवा के बाहर आता है वो मार्क कर देता है ऊपर कि मेरा हो गया, अच्छा टिक अच्छा कर देता है अपने रोल नंबर पे। तो वो अगर मैं रोल नंबर देखूँ ना तो 7 बच्चे उसमें स्किप हो गए थे। अच्छा अच्छा तो मैं उस बेस पे कंक्लूड कर रहा हूँ कि 7 बच्चे नहीं थे, और देखने में भी लग रहा था बहुत छोटा क्राउड था, 25 का लग ही नहीं रहा था, अच्छा अच्छा तो काफी बच्चे एबसेंट थे। चलो ठीक। अच्छा बाहर जब आप गए थे, मतलब जब आप वहां पहुंचे थे पहले, तो आपने मतलब बच्चे बात करते हैं आपस में कि ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ आपने सुना? एक बच्चा था टेंशन में थोड़ा, हो सकता है ग्रेजुएट हो बेचारा। नहीं मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, मतलब वो बोलते हैं ना आपस में बात करते हैं कि मतलब ये एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं, इनको कर देंगे इनकी नहीं। कोई मतलब ऑफिशियल्स बात करते हैं कि बच्चे आपस में नहीं बात करते बच्चे हैं? जो आपस में बात करते हाँ हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बच्चा थोड़ा बेचारा था एंशियस, वैसे पूछ रहा था हम लोगों से क्या अच्छा लगता है आपको। मैंने कहा आप अच्छा ग्रेजुएट हो, कहता नहीं। मैंने कहा फिर क्या अच्छा टेंशन है आपको, कहता नहीं ऐसे। फिर थोड़ी बात हो रही थी तो फिर बता रहा था, कहता कि तो वैसे है तो नहीं जस्टिफाइड ये चीज। मैंने कहा आप देखो जो होता है जस्टिफाइड, गवर्नमेंट मामले में क्या बोल सकते हैं हम, सही बात जो केस चल रहे हैं अब कुछ अगर डिजर्विंग होंगे तो हो जाएगा। है। अच्छा, चलो वो तो आएगा उसका रिजल्ट जो भी होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, डोमिसाइल का कोई कुछ इशू था आपका? कब इशू हुई थी हाँ आपको? मेरा डोमिसाइल का इशू था एक्चुअली, मैंने डोमिसाइल जो बना रखा था उसमें भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, जिसने बना के दिया था वो एक्चुअली हैंड रिटन था। अच्छा। हाँ तो उसपे जो उस पर भी जो नाम लिखा हुआ था उन्होंने ऐसे कुछ अजीब से लिखा हुआ था कि ओवरराइटिंग लग रही थी लिखी हुई। तो जब मैं बोर्ड में गया था अंडर प्रोसेस का बनवाने, जो पापा का नाम ठीक करवाने गया था जब मैं बोर्ड में, तो वहां पे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगा यहाँ नहीं करे तो वहां पे भी नहीं करेंगे, मैंने डुप्लीकेट बनवा लिया। अब जब मैंने डुप्लीकेट बनवाया ना, उन लोगों ने 2 नंबर डाल के दे दिए मेरे को डोमिसाइल पे, अच्छा एक पुराना वाला एक नया वाला। अब अच्छा वहां पर अच्छा जाके वो मुझे बोल रहे हैं नंबर कौन सा चलाना है यहाँ पे। अच्छा तो मैंने फिर स्पेसिफाई किया, मैंने पुराने वाले की एक कॉपी रखी हुई थी, मैंने कहा ये देखो यही नंबर चल रहा है मेरा, ये थोड़ा मैंने इश्यू आया था तो मैंने ये अभी डुप्लीकेट करवाया है, तो अच्छा मैंने अच्छा कॉपी ठीक रखी हुई थी साथ में उसकी भी। तो ठीक उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, उन्होंने लिख दिया, वो कह रहे तो ठीक है। आप इशू कब हुआ था आपका ये ड्रोन से? नहीं जो मेरा डुप्लीकेट था ना वो मेरा अभी कुछ 4-5 दिन पहले इशू हुआ था नहीं जो पुराना इसपे, वाला था वो जो तो आपने दिया वहां पे, 2020 समथिंग, वो जब नए नए बनने शुरू हुए थे तभी मैंने बनवा दिए थे टाइम पे। हाँ मतलब ये कट ऑफ डेट से पहले या बाद में? अच्छा बहुत पहले कट ऑफ डेट से। तो अच्छा तो वो प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा हाँ ये बताइए, ये जो पीडब्ल्यूडी वाली लिस्ट है उसका कुछ सुना आपने वहां पे, कब तक आएगी? मैंने पूछा था एक, वहां पे पीएम था मेरे ख्याल से,
उनसे पूछा था मैंने, तो वो कह रहे हैं अभी तो कोई आइडिया नहीं है, ऐसे कोई गॉसिप भी नहीं हो रही यहाँ पे, थोड़ी अच्छा अच्छा ये ठीक मतलब जान पहचान हो गई थी, बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहा था अभी यहाँ पे कोई गॉसिप भी नहीं हो रही, ऐसी पता नहीं। नहीं, ये बच्चे बेचारे परेशान है, कमेंट करते हैं कब आएगी लिस्ट। नहीं आ जाएगी अभी, वैसे भी जिन्होंने डीवी दिया है उनका आगे क्या चलता है, मतलब केस वगैरह चल रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है कि अभी तक तो आएगी नहीं लिस्ट जब तक केस चल रहे हैं। नहीं, लिस्ट तो पक्का आएगी, उसका तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नहीं, वो क्या हम पता लोग इनकी मतलब जो जो डीवी चल रही है इसका जो 50-60% कंप्लीट हो जाए फिर आ जाए लिस्ट, कुछ ऐसा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है, मुझे वैसे पता नहीं है इसका, क्योंकि अच्छा वहां अच्छा पे ऐसा कुछ पता नहीं चला, तो मुझे चलो, इतनी नॉलेज है बाकी चीजों की जितनी बाकियों को होगी। अच्छा, चलो ठीक है। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो? और बस ये है कि मेन जो चीजें हैं वो ये है कि आप थॉरली एक बार रीड कर लो जो नोटिफिकेशन जितने भी है, उसमें जो जो चीजें लिखी गई है, जिस हिसाब से पॉइंट्स लिखे गए हैं, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, और अच्छा। जितने बैकअप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो साथ में रख लो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता किसकी जरूरत पड़ जाए, जैसे मैं 10th का नहीं लेके गया था तो वहां पे जरूरत पड़ गई, तो मतलब जितने भी बैकअप चीजें है वो साथ में रखनी चाहिए, ऐसे अच्छा अच्छा बिल्कुल बिना सोचे नहीं जाना चाहिए कि भाई यही चल रहा है तो यही लेके जाऊंगा नहीं, मैं। अगर मतलब वहां पर एक कॉपी देनी है तो आप दो रखो साथ में ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कॉपीज खराब हो सकती है, आपको फॉर्म भरते टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कोई हो ना वहाँ पे जाओ फॉर्म अच्छा, भर रहे हो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये सेल्फ अटेस्ट कैसे कहाँ पे करना है, तो उनको थोड़ा समझ नहीं आता, तो आप बताएंगे मतलब सेल्फ कहाँ पे? अटेस्ट कैसे करना है, बस सिग्नेचर कर देने जहाँ पे जगह वो मिले तो आपको, मैंने भी ऐसी बोला था, कोई मतलब आप ही दिक्कत बताओ ना अपने, तो उनको अच्छा लग गया। नहीं। मेरे जो 4-5 फोटो कॉपीज थे जितने भी डॉक्यूमेंट्स के थे, ऐसा भी अच्छा, नहीं है कि मैंने सबको एक ही जगह पे अटेस्ट किया हुआ है, किसी को ऊपर किसी को नीचे ऐसे कर दिया जहाँ पे स्पेस मिल जहां रही पे है, ऐसा स्पेस कहीं आपको मिल रही है, हाँ मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ड्राइंग होती करनी है नहीं है। थोड़ा नीचे, मतलब ऊपर भी नहीं करना, नीचे वाली साइड करना है। हाँ बस इतनी थोड़ी जगह ऐसे किसी चीज को ओवरलैप मत कर देना, उसकी कोई अच्छा, इन्फॉर्मेशन हो डेट वो दिखे डेट ना, साथ साथ नहीं डालनी है सिग्नेचर के नीचे, ऐसा कुछ नहीं? मैंने तो नहीं डाले, मैंने अच्छा, आपने नहीं? सिग्नेचर किया बस सिंपली। अच्छा, नहीं, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि डेट भी डालनी है क्या, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। डालनी तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल लेना, जैसे प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ठीक, तो ठीक है, तो मैं ये शेयर करता हूँ फिर यूट्यूब पे। चलो, ठीक है, थैंक यू, थैंक ओके, थैंक यू सो मच। यू इन्फॉर्मेशन देने के ओके, लिए सारी टाइम चलो, वेलकम वेलकम। पे। ओके ओके, टेक केयर।